हेलो ब्रिलियंस, अभी हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 चैप्टर नंबर 4 एट्थ क्लास के लिए। चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। ये करने जा रहे हैं, इसको समझते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स, हमें क्या करना है, ये क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसमें हमें मिला हुआ है, और क्वाड्रिलेटर का जो नाम है वो मोर है। MO 6 सेंटीमीटर, OR 4.5 सेंटीमीटर, एंगल M 60 डिग्री है, एंगल O 105 डिग्री, एंगल R 105 डिग्री। तो ये तो हम एंगल बना ही सकते हैं कंपास की मदद से, तो ये कंपास से बनाएंगे। और कोई अगर ऐसा एंगल आए जो कि 15 की टेबल पे नहीं आता है तो आप उसको किससे करेंगे, डी की मदद से करेंगे। तो ज़्यादातर जो 15 की टेबल में आने वाले हैं वो तो टीचर्स कह ही देते हैं कि आप कंपास से ही बनाइए, ठीक है, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे, तो फिर आप कंपास से बनाएंगे, ठीक है। अब इसका रफ डायग्राम प्लॉट करते हैं। रफ डायग्राम प्लॉट करते हुए हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम बेस वो लें जो कि इनमें से कोई एक हो, ठीक है, MO और OR में से। तो मैं पहले इसका जो रफ डायग्राम है वो प्लॉट करता हूं। ठीक है, बेस में लूंगा मैं MO, MO RE, एम ओ याद रखिए, आर अब इसके बाद आएगा, ई नहीं आएगा, कहीं ऐसा कर दो एम ओ ई आर, नहीं, एम ओ के बाद आर आएगा फिर ई आएगा, ठीक है। ये 6 सेंटीमीटर, ओ आर है 4.5 सेंटीमीटर, एंगल एम जो दे रखा है वो है 60 डिग्री, एंगल ओ ये है 105 डिग्री, एंगल आर 105 डिग्री, ठीक है। हमें अब इसकी कंस्ट्रक्शन करनी है, तो बेस हम लेंगे MO जो कि है 6 सेंटीमीटर, साथ ही साथ बनाइएगा, ठीक है। मैं राइट हैंड साइड में इस तरह बना रहा हूँ ताकि ये इसके साथ मिले ना। 6 सेंटीमीटर की लगा ली दो डॉट और ये 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है O पर 105 डिग्री बनाएंगे, हमारे पास हमें एंगल पॉइंट R चाहिए, तो पॉइंट R को निकालने के लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं, 105 डिग्री एंगल और 4.5 सेंटीमीटर की ये लेंथ। एंगल बनाएंगे जो कि एक लाइन ड्रॉ की एरो ड्रॉ की जाएगी, उसको हम 4.5 सेंटीमीटर काटेंगे तो पॉइंट आर आ जाएगा। 105 डिग्री बनाने के लिए हमें किस किस का आधा करना पड़ेगा, 90 की ज़रूरत होगी, 90 और 120 का को बाइसेक्ट करेंगे हम। ये एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, ये 0 डिग्री है आर्क ड्रॉ की, ये 60 डिग्री आ गया, ये 120, 60 और 120 को जब आप बाइसेक्ट करेंगे, एक आर्क लगाएंगे 60 से और एक लगाएंगे 120 से, उतनी ही कंपास खोल करके, तो जो ये पॉइंट आया इसको मिलाने पर, जैसे मान लिया कि ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी, ठीक है। तो देखें ना आप बी और सी से आर्क लगाई तो ये पॉइंट डी आया जो आपस में काटती है दोनों आर्क। अब डी को हम इस वर्टेक्स से मिला देंगे, वर्टेक्स का नाम है ओ और ये है एम, और ये टोटल अभी है लेंथ 6 सेंटीमीटर। इसको मैंने मिलाया लेकिन डॉटेड मिलाऊंगा, मुझे इस पॉइंट की ज़रूरत है, यहाँ पर जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ई, ई और सी पर रख करके हम आर्क लगाएंगे उतनी ही खोल के, तो जो आपस में काटेगी वो पॉइंट आएगा, उस पॉइंट को मिलाएंगे। ये आगे बढ़ाई मैंने
और ये सेंटर इसको ई पर रखा और ये पॉइंट काटा, ये पॉइंट आया ना, इस पॉइंट को मिलाएंगे ओ के साथ और मैं इसको डार्क बना रहा हूँ क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये जो एंगल बना है ये है 105 डिग्री, यहाँ से लेकर यहाँ तक है 90 डिग्री, यहाँ से लेकर यहाँ तक है 30 डिग्री और 30 का हाफ करने पर बना ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 15, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 15 है, तो 90 के अंदर ये 15 जुड़ा तो ये टोटल जो है 105 डिग्री एंगल बन गया। ठीक है, अब हमें 4.5 सेंटीमीटर काटना है ओ से, 0 और 4.5, कंपास खोली ध्यान से, ओ से आर्क लगाई ये वाले, ये जो पॉइंट आया है ना ये पॉइंट आया है आर, अब हमें आर के ऊपर भी 105 डिग्री बनाना है ऐसे ही जैसे ये बनाया था, तो थोड़ी सी खिचड़ी सी जैसे पक जाती है वैसे है, लेकिन ध्यान रखिएगा आप, यहाँ पर मैंने रखी कंपास, यहाँ मैं लिख देता हूँ 4.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे रखी और आर्क लगाई ये वाली। ठीक है, मान लिया हमारे जो पॉइंट आया है अब तक ई तक आया, ये पॉइंट एफ आ गया, एफ पे रख के एक आर्क लगाई ये जी पॉइंट आया, जी पे रख के एक आर्क लगाई ये एच पॉइंट आया, जी और एच पे रख करके वही 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, एक आर्क लगाई और ये दूसरी आर्क लगाई, दोनों जाबे काटी है, ये पॉइंट आई आ गया। ठीक है, आई को हम इस आर से जोड़ेंगे वर्टेक्स से, जो इस 90 डिग्री एंगल का वर्टेक्स है, डॉटेड डार्क नहीं, हमें ज़रूरत थी इस पॉइंट की जो कि सेमी सर्कल पे काट रहा है, इस पॉइंट को नाम दिया जे, जे पर रख करके और एक एच पे रख करके उतनी ही कंपास खोल करके आर्क लगाएंगे जैसे हमने नीचे ओ के ऊपर 105 डिग्री बनाया था बिल्कुल वैसे ही, ये ड्रो की और ये ड्रो की, दोनों आपस में जहाँ पे काटी है वो ये वाला पॉइंट आया है आई जे और ये आ गया के। अब मैं इस आर को इससे मिला रहा हूँ, आप भी साथ साथ बना रहे हैं ना, गुड, इसको मैं डार्क कर रहा हूँ, एरो साइन यहाँ बना दिया, एरो साइन यहाँ बना दिया, अब इस ई पॉइंट के लिए तो दो चीज़ें चाहिए, आर आ गया ई पॉइंट रह गया, तो ई पॉइंट के लिए 60 से यहाँ से एंगल बनेगा और यहाँ से 105 डिग्री का एंगल हम बना ही चुके हैं, दोनों आपस में जहाँ पे काटेंगे वो पॉइंट ई आएगा और हमारा क्वाड्रिलेटरल पूरा हो जाएगा। अब हमें बनाना है एफ के ऊपर, सॉरी एम के ऊपर 60 डिग्री एंगल, अब कंपास खोली मैंने उतनी ही खोल रखी है जो मैंने ऊपर बनाई थी और ये सेमी सर्कल यहाँ ड्रॉ किया, ज़्यादा जरूरत नहीं थी आगे तक बढ़ाने की, सेमी सर्कल पूरा करने की, आर्क समझ लीजिए, ये जो पॉइंट आया है के तक आ चुका था, जे के एल, इसे मैं एल दे देता हूँ नाम, ये वैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आए कि कौन से पॉइंट से मैं आर्क या कोई चीज़ लगा रहा हूँ, है ना, किस पॉइंट से गुजार रहा हूँ, किस पॉइंट से मिला रहा हूँ, कहाँ पे रख के आर्क लगा रहा हूँ, वो समझाने के लिए मैंने ये सारे अल्फ़ाबेट लिखे हैं, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं L को M से मिलाऊंगा तो ये 60 डिग्री एंगल है, समझ गए, ज्वाइन किया इसको, यहाँ एरो साइन बनाया, ये पॉइंट जो आया ना ये पॉइंट आया E और ये है 60 डिग्री और ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो ठीक है, ये बन गया आपका क्वाड्रिलेटरल एम ओ आर ई, जहाँ पे एंगल एम है वो 60 डिग्री, एंगल ओ है 105 डिग्री और जो एंगल आर है यहाँ लिखा नहीं मैंने, आपको लिखना है 105 डिग्री, ये और ये जहाँ पे आपस में काटी है वहाँ पॉइंट ई आ गया और ये जो एरो फालतू की है ना यहाँ पे एरो का निशान ज़रूर बना दीजिएगा, इससे इसकी सुंदरता भी बढ़ेगी, अच्छा भी दिखेगा और आपको ये जी जे एच जो पॉइंट लगा रखे ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, आई है ये वैसे क्यों, ये बस आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए मैंने इतने लिखे थे। ठीक है,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन के साथ। बाय।